नमस्कार दोस्तों, बाबा जी होम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सनी क्लब सेटर 123 में बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के नज़दीकी लोकेशन में 3 BHK के फ्लोर्स को देखने जा रहे हैं, उसका सैंपल फ्लैट जो है वो देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें G+2 में 3 BHK के फ्लोर जो हैं वो मिलेंगे, लगभग 6 मरला के साइज़ के अंदर बने हुए। दोस्तों रीगल होम्स के नाम से ये जो है फ्लोर्स बनाए गए हैं, 3 BHK के फ्लोर्स हैं, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम के साथ हैं, ड्राइंग डाइनिंग का हॉल है और इस फ्लैट में आपको 2 बेड इंक्लूड मिलेंगे, चिमनी हमारी तरफ से इंक्लूड मिलेगी और बाकी की भी सारी चीज़ें आपको प्रीमियम क्वालिटी की ब्रांडेड और लग्जरी मिलेंगी। दोस्तों इस लोकेशन पे जहाँ पर हम हैं ये सनी क्लब सेक्टर 123 की लोकेशन है और एयरपोर्ट रोड यहाँ से बिल्कुल सामने शायद आपको 100 मीटर भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे है, वॉकेबल डिस्टेंस पे है। दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे हमारे ये फ्लोर हैं इनके आगे लगभग 60 फीट की रोड आपको घर के सामने मिलेगी और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट भी बनाई जा रही है और बाकी की मार्केट आपको उस तरफ भी मिलेगी, तो मार्केट हमारे इस लोकेशन के बिल्कुल नज़दीकी एरिया में है। दोस्तों फ्लोर्स के बिल्कुल आगे आपको हर फ्लोर में एक के साथ 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पार्किंग की स्पेस आपको मिल रही है और आगे की तरफ आपको टाइल वर्क भी मिल रहा है इसकी एलिवेशन में। दोस्तों इस तरफ से हमारे इस प्रोजेक्ट में आने के लिए रास्ता रहेगा, एंट्रेंस रहेगी और 3 फ्लोर आपको इस तरह मिलेंगे, 3 फ्लोर आपको इस तरह मिलेंगे, इस तरफ हर फ्लोर की अलग से आप मोटर लगा पाएंगे। नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा कॉमन वाटर टैंक आपको मिलेगा और स्टेयर्स हमारी इस तरफ से रहेंगी, ग्रेनाइट हमारा रहेगा स्टेयर्स पे, इसके साथ ही स्टील की रेलिंग रहेगी और ये हमारे इस फ्लैट की मेन एंट्रेंस डोर है। मेन एंट्रेंस डोर पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया हैवी वुडन फ्रेम आपको डोर मिलेगा, एक बढ़िया हैंडल आपको मिल रहा है और काफ़ी फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी आपको मिल रहा है। दोस्तों ड्राइंग डाइनिंग का हॉल आपको लगभग 13 फीट बाय 19 फीट के साइज का मिलता है, जिसमें फॉल सीलिंग में एक बढ़िया डिजाइन आपको मिलता है LED लाइट्स और वुडवर्क के साथ और इस तरफ की दीवार पे आपको वॉलपेपर इंक्लूड मिलेगा, वॉलपेपर आपकी चॉइस का लगा दिया जाएगा। फ्लोरिंग में दोस्तों हमें डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स मिलती हैं बड़े साइज की, तो हॉल काफी खुला आपको मिलता है, काफी स्पेशियस आपको मिलता है। ड्राइंग डाइनिंग का आपका सोफा सेट और डाइनिंग टेबल दोनों आपकी चीजें इजीली अच्छे से सेट हो पाएंगी और इस तरफ हमारी किचन है, काफी स्पेशियस काफी बड़ी किचन हमें मिलती है और इसके साथ ही इस तरफ हमें पार्टीशन जो नजर आ रहा है ऐसा ही पार्टीशन हमें इंक्लूड मिलेगा, जिसमें ऊपर की तरफ हैंगिंग लाइट्स जो है वो इंक्लूड रहेंगी और इस तरफ हमें कुछ स्टोरेज भी मिल जाती है ताकि कोई भी आपके घर का एक्स्ट्रा सामान है वो इधर उधर ना पड़ा रहे, यहीं पर ही सेट हो पाए। दोस्तों किचन हमारी लगभग 8.5 फीट बाय 13 फीट के साइज की है, एक बड़ी स्पेशियस किचन हमें मिलती है जिसमें वुडवर्क भी काफी अच्छा खासा आपको मिल रहा है, सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली किचन है, हाइड्रोलिक्स का यहाँ पे यूज किया गया है, काफी बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है, बाकी आपकी चॉइस भी हो सकती है कलर कॉम्बिनेशन में। चिमनी दोस्तों हमारी एज इट इज इंक्लूड रहेगी और जो हमारा कुकिंग एरिया है इसमें काउंटर टॉप पे हमारा ग्लोसी ग्रेनाइट है, जिसके नीचे की तरफ कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है, स्टोरेज आपको काफी अच्छी खासी नीचे की तरफ भी मिलती है और सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली हमारी किचन है, ब्रांडेड है, स्टोरेज भी काफी अच्छी खासी आपको मिल रही है, तो एक स्पेशियस किचन आपको मिलती है। कुकिंग एरिया हमारा इस तरफ है, गैस सिलेंडर आपका घर के बाहर रखा जाएगा, उसके लिए पाइप की फिटिंग कर दी गई है, चिमनी हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगी, उसका आउटलेट उस तरफ निकाल दिया जाएगा और इस तरफ रहेगा हमारा वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया में दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल शेप के काफी डीप साउंड प्रूफ वाले हमारे डबल सिंक बाउल हैं, जिसमें पीछे की तरफ पेरिवियर ब्रांड के मिक्सर टैप जो है वो लगाए गए हैं, ऊपर की तरफ विंडोज हमें मिल रही हैं फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी वेंटिलेशन प्रॉपर होने के लिए, उस तरफ हमें गीजर का प्रोविजन मिल रहा है और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको जो RO का प्रोविजन है वो मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो स्टोरेज हमें नजर आ रही है ये आमतौर पे हमें नहीं मिलती, तो एक एक्स्ट्रा स्टोरेज हमें मिलती है पेंट्री और ग्रोसरी वगैरह रखने के लिए, काफी स्पेशियस ये अलमीरा हमें दी जा रही है।
तो ये हमें किचन काफ़ी स्पेशियस मिलती है, जिसमें इस तरफ आप अपना बड़े साइज़ का फ्रिज रख सकते हैं, तो काफ़ी खुली डुली किचन आपको मिल रही है इस फ्लैट के साथ। इसके साथ ही दोस्तों इस फ्लैट में ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के हॉल के इस तरफ आपको एक दरवाज़ा नज़र आ जाएगा। ये दोस्तों एक कॉमन बाथरूम है, इसको हम जब दूसरे बेडरूम से जाएंगे उस तरफ से भी मैं आपको दिखा दूंगा, अभी शायद ये दरवाज़ा अंदर की तरफ से लॉक है। और एक बेडरूम हमारा आगे की तरफ रहेगा, बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से हमें दरवाज़ा मिलेगा। दरवाजे भी आप देख सकते हैं फ्रेम वाले डोर्स हैं, वुडन चौगाट्स हैं और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क आपको मिलेगा डोर्स पे। और लगभग 11 फीट बाय 13 फीट के साइज़ का बेडरूम हमें मिलेगा आगे की तरफ। दोस्तों इसी तरह से बेड जो है डबल बेड एक इंक्लूड रहेगा, पीछे की तरफ वॉलपेपर हमारी तरह से इंक्लूड रहेगा। बेड के दोनों तरफ हमें इस तरह के कपबोर्ड जो है वो मिलेंगे, स्टोरेज आपको मिल जाती है, पावर पॉइंट आपको मिल जाते हैं मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स आपको मिलेंगी और एलईडी लाइट्स के साथ साथ वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। और दोस्तों इस बेडरूम में वेंटिलेशन अच्छे से हो सके इसके लिए आगे की तरफ हमें फिक्स और ओपन करने वाली दोनों तरह की विंडो जो है वो मिलती हैं। और इस बेडरूम का बाथरूम इस तरफ रहेगा इंक्लूड। और इस बाथरूम में जाने के लिए एक रास्ता आपको बेडरूम के अंदर से मिलता है, और एक दरवाजा आपको कॉमन एरिया से भी मिलता है। ये हमारा कॉमन एरिया, इस कॉमन एरिया से आप इस बाथरूम में आ सकते हैं, मतलब कि कभी आपके घर में गेस्ट आए हैं उनको बाथरूम यूज करना है तो उनको बेडरूम में जाने की जरूरत नहीं, वो बाहर बाहर से यूज कर सकते हैं। दोस्तों बाथरूम काफी स्पेशियस आपको मिलता है, लगभग 5 फीट बाय 10.5 फीट के साइज का, जिसमें ब्रांडेड फिटिंग आपको मिल रही है। और जैसा आप बाथरूम देख रहे हैं एज इट इज बाथरूम हमें मिलेगा, और पेरीवेयर कंपनी की फिटिंग हमें मिलती है इस बाथरूम में। डोर लेवल की हाइट तक हमें टाइल्स मिल रही है प्रीमियम क्वालिटी की, और फ्लोरिंग में हमें एंटीस की टाइल्स मिल रही है, और इस तरफ हमें वेंटिलेशन के लिए विंडो जो है वो मिल रही है। दोस्तों फिटिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की फिटिंग हमें मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बाहर आते हैं कॉमन एरिया से, क्योंकि गए हम बेडरूम से थे। इसके साथ ही दो बेडरूम हमें पीछे की तरफ मिलते हैं, पहले हम इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं। ये बेडरूम अंदाजन 11 फीट बाय 13 फीट के साइज़ का है, फॉल सीलिंग में एज इट इज़ हमें डिज़ाइन मिलेगा एलईडी लाइट्स के साथ, पीछे की वॉल पे वॉलपेपर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा, और फॉल सीलिंग में भी वॉलपेपर का यूज़ किया गया है तो वो आपकी चॉइस का लगा दिया जाएगा। इस तरफ हमें कपबोर्ड्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरेज इनमें हमें मिलती है, और इन्हीं कपबोर्ड के एडजॉइनिंग करके इस तरफ हमें ड्रेसिंग टेबल जो है वो मिलता है लुकिंग मिरर के साथ और स्टोरेज के साथ, और आगे की तरफ हमें ओपन स्टोरेज के साथ टीवी पैनल मिलता है बड़े साइज़ का, तो इसमें भी आपको स्टोरेज काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। इसके साथ ही इस बेडरूम की भी वेंटिलेशन प्रॉपरली होती रहे उसके लिए हमें फिक्स और ओपन करने वाली दोनों तरह की विंडो जो हैं वो मिलती हैं बड़े साइज़ की। और बाथरूम हमारा इस तरफ रहेगा अटैच इस बेडरूम के साथ, लगभग 5 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का। और दोस्तों इस बाथरूम में भी आप देख सकते हैं कि पेरीवेयर कंपनी की हमें फिटिंग मिल रही है बिल्कुल ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की, टाइल्स हमें डोर लेवल की हाइट तक मिल रही है प्रीमियम क्वालिटी की, और फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं। इस तरफ हमें विंडोज मिल रही हैं वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो ये इस फ्लैट के दो बेडरूम्स को हमने देख लिया, चलते हैं तीसरे बेडरूम को देखने के लिए। तीसरे बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से हमें दरवाज़ा मिलेगा, और अगेन ये तीसरे वाला बेडरूम भी लगभग 11 फीट बाय 13 फीट के साइज़ का है। इसमें भी दोस्तों एज इट इज़ फॉल सीलिंग हमें मिलेगी एलईडी लाइट के साथ, और एज इट इज़ एक डबल बेड हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा, पीछे की वॉल पे वॉलपेपर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा, ये आपकी चॉइस का लगा दिया जाएगा। बेड के दोनों तरफ कपबोर्ड्स इस तरह के ही हम आपको बनाकर दे रहे हैं। नीचे की तरफ दोस्तों आपको स्टोरेज मिलेगी ओपन वाली, और पावर पॉइंट भी बेड के दोनों तरफ मिलेंगे, स्टूल की तरह ये एरिया यूज़ हो जाएगा, मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको आसानी रहेगी। और इसके साथ ही इस बेडरूम के साथ भी बाथरूम हमारा अटैच रहेगा इस तरफ, लगभग 5 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का। अगेन दोस्तों इस बाथरूम में भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली मॉडर्न डिज़ाइन की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग जो है वो इंक्लूड है, वेंटिलेशन की विंडोज हमें मिलती है, डोर लेवल की हेड तक हमें प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स जो है वो मिलती हैं,
मिक्सर टैप हमारा इस तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ शॉवर एरिया रहेगा। तो ये हमारा बाथरूम था इस बेडरूम के साथ अटैच। इसके साथ ही इस बेडरूम की भी वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, फिक्स वाली और ओपन करने वाली दोनों तरह की विंडोज़ हमें मिलती हैं। और इसके साथ ही पीछे की तरफ आपको बहुत बड़े साइज़ का वॉशिंग एरिया मिलता है। तो एक बड़े साइज़ का वॉशिंग एरिया आपको मिल रहा है घर के पीछे की तरफ, लगभग 6.5 फीट बाय 10 फीट के आसपास इसका साइज़ है। दो टैप्स हम आपको लगा कर देंगे ताकि आप पानी का यूज़ कर सकें वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए, और ऊपर की तरफ वेंटिलेशन के लिए स्पेस भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो का हमारा घर था, 3 BHK के फ्लैट्स G+2 में बनाए गए, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वाले और बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के नज़दीक है। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, धन्यवाद।